केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इसी साल के अंत तक पहला ह्यूमन मिल्क बैंक चालू करने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई ये परियोजना बीमार, कम वजन वाले और समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं को बेहतर लालन पालन में मदद करेगी। रिपोर्ट देखिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इसी साल के अंत तक पहला ह्यूमन मिल्क बैंक चालू करने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई यह परियोजना बीमार, कम वजन वाले और समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं के बेहतर लालन पालन में मदद करेगी। मेरे ख्याल से तो इसका बहुत बेनिफिशियल रहा है। कई बार ये होता है कि कुछ मदर्स में प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से बच्चों को मतलब कि हम नहीं दे सकते हैं। हर मदर यही चाहती है कि हम बच्चों को अपना दूध पिलाएं, लेकिन कुछ कारणवश ये होता है कि बच्चों को नहीं दे सकती है, लेकिन उसकी मतलब कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से ये अच्छा है। जो भी डिसीजन है ये बहुत अच्छा है। कई महिलाओं का कहना है ऐसे केंद्रों से उन महिलाओं को काफी मदद मिलेगी जिन्हें अपने बच्चों को दूध पिलाने में परेशानी होती है। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है क्योंकि जिन मदर को फीड नहीं आ रही है वो एक्चुअली ये वाला बच्चों अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी उनके बच्चों को कुछ मतलब जाएगा तो पेट में, अगर उनको अपनी फीड नहीं मिल रही इससे उनको तो थोड़ा जाएगा दूध बच्चे को पेट में, तो उनके लिए अच्छा है। अच्छा तो, कितना ज़रूरी है माँ का दूध तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू किया जा रहा है। 150 बेड वाला नवजात बच्चों का आईसीयू है। इस अस्पताल में पूरे जम्मू कश्मीर से मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। तो जो सिक बेबीज, जो भी डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी, पूरे डिवीजन के, वो सब शालामार में शिफ्ट होते हैं, फिर वहां से वहां रखते हैं, फिर हमारे यहां भेजते हैं। तो जो मदर्स उनके साथ आती हैं वही इसके डोनर्स होंगी, वही डोनेट करेंगे। जो लो बर्थ वेट बेबी है, बड़ा कम जिसकी वेट है, वो कई बार मदर का मिल्क सक नहीं कर सकता, पर मदर के अंदर मिल्क तो प्रोडक्शन होती है, तो वो डोनेट करेगी और उसको साइंटिफिकली टेस्ट करके, पैस्टराइज करके बच्चों को दिया जाएगा। सर, इसके कोई चार्जेस भी रहेंगे या नहीं? नहीं नहीं, फूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, जो भी स्कीम्स सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक ह्यूमन मिल्क बैंक पूरी तरह से उन महिलाओं के दम पर चलेगा जो अपनी इच्छा से इसमें अपना दूध दान करना चाहेंगी।